दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके इस्तेमाल करने से बहुत सारी बीमारियों से फायदा मिलेगा। वैसे तो हम इस बीज को दैनिक जीवन में हर रोज उपयोग करते हैं एक सीमित मात्रा में, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ये कोई साधारण बीज नहीं है जैसा कि हम समझते हैं। इसके अंदर के गुणों को जब जानोगे तो दंग रह जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है। आप सोचोगे कि आज तक हमने इसका अच्छे से इस्तेमाल क्यों नहीं किया जैसा कि हमें करना चाहिए था, और वो है धनिये का बीज। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हम धनिये के बीज का इस्तेमाल भोजन को तड़का लगाने और उसे स्वादिष्ट बनाने के लिए करते आए हैं। आज हम आपको धनिये के बीज का पानी बनाने का तरीका और उसे नियमित रूप से पीने से स्वास्थ्य को होने वाले लाभ के बारे में बताऊंगा। धनिये के बीज का पानी बनाने के लिए हमें रात के समय एक गिलास गुनगुने पानी में 2 चम्मच धनिये का बीज डालकर रात भर इसे रखना होगा, और सुबह इस पानी को गुनगुना करके गर्म करके छान कर पीना होगा। नियमित रूप से धनिये का पानी पीने से शरीर का ग्लूकोज लेवल बैलेंस में रहता है, जिससे डायबिटीज होने का खतरा कम हो जाता है। जिसकी हड्डियां कमजोर रहती हैं, जोड़ों में दर्द रहता हो, कमर में दर्द रहता हो, शारीरिक कमजोरी रहती है, किसी भी प्रकार की अंदरूनी दुर्बलता को दूर कर देता है। धनिये के पानी में एस्कॉर्बिक एसिड नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे सर्दी खांसी, वायरल बुखार, वायरल इन्फेक्शन आदि होने का खतरा कम हो जाता है। अल्सर की समस्या को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। मासिक धर्म के समय होने वाले दर्द से आराम दिलाता है। जिसे भी यूरिन इन्फेक्शन की समस्या हो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे नियमित रूप से पीने से खून की कमी दूर होती है, लीवर की बीमारियों से बचाए रखता है, और दिल की बीमारी होने का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। तो दोस्तों, धनिये के पानी का इस्तेमाल आप पूरे वर्ष कर सकते हो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक कर दो, और ज़रूरतमंद लोगों से इस वीडियो को शेयर कर दो, और हमारे सभी हेल्थ और ब्यूटी टिप्स को देखते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दो। अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर होता हूँ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।